एसोसियेशन एरियाज विच आर मेनली मोटर इन फंक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन आदर द मेमरी एंड द कॉम्युनिकेशन राइट तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत होता है बिकॉज एज वी नो की जो सारिप्रल कॉटिक्स है इट कंटेन्स द मोटर एंड देंसरी एरियाज राइट इसके मोटर और सेंसरी एरियाज आते हैं मोटर एरियाज में इंक्लूडेड होता है सारी क्रम विच इज मोटर इन फंक्शन और रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये इन द सेंसरी एसोसिएशन आदर मेमरी एंड कॉम्युनिकेशन राइट देखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट से दिया गया है मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम राइट तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होता है बिकॉज जो हमारे ह्यूमन का ब्रेन स्टेम है ये कंपोज होता है विद मिड ब्रेन अदर द पोन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड द पोन्स एंड मेड्यूला ऑबलोंगेटा इज द पार्ट्स ऑफ द हाइंड ब्रेन राइट देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दिया गया है द सीलियरी बॉडी इट्सल्फ कॉन्टीन्यूस फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड द ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड ईरेस राइट तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है बिकॉज जो सिलियरी बॉडी है वो अपने आप को कॉन्टिन्यू करती है फॉरवर्ड ताकि फॉर्म कर सके पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर को जिसे हम ईरेस कहते हैं ओके okay, देखेंगे फोर्थ स्टेटमेंट जो दिया गया है द मैम्रेनस लैबिलेंथ इज विद अ विद्लूट Right. तो जो, right. तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सेकेंड बिकॉज थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी चाहिए स्टूडेंट कवर हो सकता है आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर